तो जो पंडित जी राम ने जी बताया हैं कि पहले आप ये आए होंगे अंदर ऊपर से से, तो सीधे। ये विद भुवनेश्वर है महादेव के मंदिर करके, तो पहले यहाँ पे आपको दर्शन करने पड़ेंगे, फिर गुफा में जाना पड़ेगा। सारे मंदिर एक रात के अच्छा, तो ये बने मंदिर सारे एक रात में बने, हुए तो ये मंदिर जितने भी है ये एक रात में बने हुए हैं, तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है पहले। अच्छा, हैं। तो ये पंडित जी कितने साल पुराना होगा ये लगभग? 11वीं शताब्दी में बना हुआ है, एक रात में मंदिर, अच्छा, 11वीं शताब्दी। और ये बना है कत्यूरी राजाओं ने, कितने कत्यूरी एक? वंश। हाँ, अच्छा, तब तब राजाओं को भी इनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद रहता था। हाँ जी, कत्यूरी हाँ वंश तो वैसे हाँ मंदिर एक चमत्कार और है यहाँ पर। और ये देखिए, जितनी गर्मी गिरती है यहाँ से प्रश्न पानी गिरता है। अच्छा, क्या है यहाँ से? अच्छा, देखो जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पसीना पानी। गया, पानी गिरेगा, अच्छा, और ये पानी देखो भी पसीने की तरह हाँ, है। तो जैसे पंडित जी बता रहे इसमें। जरूरी होते क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। अच्छा, जो यहाँ, हाँ, भगवान यहाँ शिव पर थे। शिव थे, वो बुद्ध के रूप अच्छा, में आए बुड्ढे के यहाँ, रूप में थे। वहाँ गए थे बालक के रूप में, अच्छा, ये गुफा गुफा में, में गुफा में बालक के बालक रूप में, और यहाँ बालक आए बूढ़े रूप बुद्ध में। के रूप में, इसलिए सबसे पहले यहाँ के दर्शन किए जाते हैं, बाद में वहाँ के। तो ये पाताल भुवनेश्वर का गेट है, तो यहाँ से नीचे को देखेंगे, लिखा हुआ है केव टेम्पल विद भुवनेश्वर मंदिर गुफा मंदिर, पुराणों द्वारा गुफा मंदिर से पूर्व विद भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन आने वाली हैं। नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते हैं मंदिर में। तो भाई कैसा लगा, इतने दिनों बाद राइड करी है और फर्स्ट राइड है इतनी लंबी, पाँव चल ही नहीं रहे भाई। इसके क्या है, पाँव नहीं चल रहे, तो चल कैसा रहा भाई? तो इसने कहा फर्स्ट टाइम राइड करी इतनी लंबी, तो जिसमें हमें 5.5 घंटे लग गए आराम से, और 170 किलोमीटर था यहाँ से। तो भाई ठीक है, आप एनर्जी है या अभी भी डाउन ही है? एनर्जी भी आ जाएगी अभी एनर्जी आ जाएगी मंदिर जब में जाके, दर्शन करेंगे, तो वहाँ अंदर जाएंगे गुफा में। तो वृद्ध के जा रहे हैं ना, नहीं वृद्ध पाताल घूमने हाँ, वृद्ध पाताल भुवनेश्वर है, तो मंदिर आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें भी शायद यही है या आगे है, तो उसके आसपास गाँव गाँव है। आगे से एंट्री, उधर से गेट है। तो यहाँ का नज़ारा है। तो पंडित जी ने बताया कि जो पहले आप ये आए होंगे अंदर ऊपर से से, सीधे। तो ये विद भुवनेश्वर है महादेव के मंदिर करके, तो पहले यहाँ पे आपको दर्शन करने पड़ेंगे, फिर गुफा में जाना पड़ेगा। पानी तो कहाँ से गुफा के आएगा, लिए कहाँ से इधर से आएगा? रास्ता है, अभी ये जाएंगे आगे सामने को, से, तो सामने पास से अभी ना। दर्शन करते हैं यहाँ पे, पहले हाथ जोड़ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे को। सारे मंदिर एक रात के अच्छा, तो ये बने मंदिर सारे एक रात में बने, हुए हैं। तो ये मंदिर जितने भी है ये एक रात में बने हुए हैं, तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है पहले। अच्छा, यहाँ से हाँ यहाँ जी, हाँ से जी, फिर इतने नीचे जी अखंड पत्थर है, जी जिसको पिल्लर बोलते हैं, हाँ जी, हाँ ठीक है, अखंड है। अब जी, देखो ये सारे जितने सब अखंड है, अब एक रात में बोलो कितने भारी भारी पत्थर ला कैसे लाए होंगे। ये शिव जी के गण थे, जिसको भड़ बोलते हैं, अच्छा, भूत पिशाच, तो वो इनको हवा में लेके आए। अच्छा, हाँ, तो ये पंडित जी कितने साल पुराना होगा ये लगभग? 11वीं शताब्दी में बना हुआ है, एक रात में मंदिर, अच्छा, 11वीं शताब्दी। और ये बना है कत्यूरी राजाओं ने, कितने कत्यूरी एक? वंश। हाँ, अच्छा, तब तब राजाओं को भी इनका भगवान का आशीर्वाद रहता था। हाँ जी, कत्यूरी हाँ वंश तो वैसे मंदिर हाँ के लिए स्वर्ण युग रहा। हाँ देव, हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, जागेश्वर भी एक हाँ रात में कत्यूरी, है। कत्यूरी शैली भी वही होगी ना, कत्यूरी हाँ शैली होगी। कत्यूरी शैली। आइए जी, अंदर, ये देखिए, अभी आपको मैंने ऊपर देखने क्यों बोला, क्योंकि एक चमत्कार और है यहाँ पर। और ये देखिए, जितनी गर्मी गिरती है यहाँ से प्रश्न पानी गिरता है। अच्छा, क्या है यहाँ से? अच्छा, देखो जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पसीना पानी। गया, पानी गिरेगा, अच्छा, दिख रहा और है ये इसमें? पानी भी पसीने की तरह हाँ, है। तो जैसे पंडित जी बता रहे इसमें। है आपके सामने,
हाँ बाहर कितनी तेज धूप है, धूप है और बारिश इसमें कम से हाँ कम गीला हो एक रहा है महीना यहाँ। हो गया इधर बारिश नहीं हुई, एक महीना हो गया और यहाँ पर विष्णु की मूर्ति है। अच्छा, तो ये ऊपर विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, तो हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको, नहीं तो फिर और यात्री आ जाते। ये है स्वयंभू, अच्छा स्वयं पाताल लोक से निकले हुए हैं। ये, अच्छा हाँ स्वयं निकले हैं पाताल लोक से, ठीक है। इसको हम इसलिए ढक के रखते हैं, इसमें फूल वील और चावल वाल न जाए। ना जान ना कोई चढ़ाए ऐसे। हाँ हाँ क्योंकि आजकल लोकल औरत आती है, हाँ बाहर से लोग आते हैं, वो सीधा फूल तो ये गुफा में से निकले हैं, पाताल लोक से। अच्छा पाताल हाँ लोक से, अच्छा पाताल लोक से निकले हुए हैं, अच्छा स्वयंभू है, स्वयं निकले स्वयंभू हुए हैं। स्वयं निकले हुए। हाँ इसको किसी ने बनाया नहीं, नहीं तो देखो नहीं तो शिवलिंग गोल बनाते, ये स्वयं निकले इसलिए एज इट इज रेजिटेज बची है। है। हाँ तो 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा ने बनाया इसको। हाँ 31 राजाओं ने, अच्छा कत्यूरी, 71वीं कत्यूरी कत्तूरी हाँ कत्यूरी वंश हुआ ना, कत्यूरी वंश अच्छा। ने बनाया। और तब यहाँ पर पूरा जंगल था, मंदिर नहीं थे। अच्छा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी से एक गाय आती थी, इसमें दूध देती थी। हाँ जी वो गाय थी ब्राह्मणों की, रोज इसमें दूध देती थी लेकिन घर को दूध नहीं देती थी। अच्छा तो एक बार उन्होंने उसका पीछा किया, घर क्यों नहीं दूध दे रही, तो उन्होंने देखा वो गाय यहाँ आकर झाड़ियों के अंदर जाकर इसमें दूध दे रही है, तो उसमें से एक बुढ़ी रहती है, उसे गुस्सा आ जाता है, तो दराती से मार देती है इसमें। अच्छा जैसे ही इसमें दराती से मारती है, इसमें से खून के फुहारे उठते हैं अच्छा चार दिशाओं को, चार फुहारे चार दिशाओं को उठते हैं, अच्छा तब कति राजा इसको एक रात में बना देते हैं। अच्छा इसमें शिव जी के गण थे जिसको अच्छा भूत पिशाच बोलते हैं, जी वो रात को ही काम किया करते हैं, तो इंसानों की तो बस की बात नहीं हाँ है। वो तो आजकल सब मशीन है, सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल ये शक्ति एक रात में नहीं बन सकती है, हाँ वो कहाँ इतना बड़ा मंदिर। तो इससे और मंदिर है सारे एक रात में बने हुए हैं, अच्छा ये शॉर्टकट में बताया मैंने, जरूरी जी। होते क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्धि के रूप में आए थे। अच्छा जो भगवान यहाँ हाँ यहाँ शिव थे, शिव थे वो बुद्धि के रूप अच्छा में आए, बुढ़े के यहाँ रूप में थे, वहाँ गए थे बालक के रूप में, अच्छा ये गुफा अब में, गुफा में गुफा में बालक बालक के रूप में और यहाँ बालक है बूढ़े रूप बुद्धि में के रूप में, जी। इसलिए सबसे पहले यहाँ के दर्शन किए जाते हैं महादेव वहाँ के। ओके मंदिर बनाने में इनका ही योगदान रहा। किसका? जो आप कह रहे हो ना गाने के, हाँ। और ये स्तंभ जो मैंने अंदर बताया इसमें अखंड पत्थर, ठीक है, ये कुंड है, ऊपर में हनुमान है, दक्षिण मुखी हनुमान है, और दक्षिण की तरफ मुंह और एक मुद्रा में खड़े हैं वो, उस मुद्रा में और शनि के सर पे पैर, ये आपको कहीं हनुमान नहीं मिलते, ठीक अच्छा है। और उसके ऊपर में चंडिका है, वही चंडिका मंदिर के दर्शन करके ऐसे निकल जाना सीधे गुफा को। ठीक। चलो अच्छा तो ये अच्छा दक्षिण मुखी हनुमान विद भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये चंडी का मंदिर है, तो वो माता को आगे सब यहीं से आजू बोलते हैं। तो ये माता जी का मंदिर है, देखो भुवनेश्वर का द्वार आ गया, तो यहीं से नीचे अंदर जाना है गुफा में। तो ये मंदिर कमेटी पताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करती है।